तो और मेरे भाई लोग कैसे हो यार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, जिसमें भाई मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले लैंड कैसे कर सकते हो। भाई ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे भाई सबसे पहले लैंड करोगे। तो यार ये तीन स्टेज में बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेज ये है कि भाई आपको प्लेन के पाथ पर लैंड करना है तो कैसे करें। जैसे अभी सेंट डेल्टा में प्लेन पहुँच जा रहा, मुझे वहीं पर लैंड करना, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर लैंड कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहला काम कि आप यार बेटिंग लॉबी में ही आप मार्क कर लो कि आपको कहाँ उतरना, जैसा कि मैं कर लूँ। हाँ बाद में भी कर सकते हैं, बट यार जब पहले ही टाइम मिल रहा है तो क्यों बाद में का इंतज़ार किया जाए। तो पहले ही आपको बेटिंग लॉबी में मार्क कर लेना है, और फिर भाई मार्क करने के बाद आपको देखना है कि प्लेन पथ से कितना दूर है, मतलब बाहर के साइड। तो यार बाहर के साइड ज़्यादा नहीं है मेरा लैंडिंग स्पॉट, तो मैं क्या करूँगा अभी देखो, मेरा ऊपर देखो जहाँ पर रेड लाइन आपको दिख रहा है वहाँ पर देखना, जो मेरा मार्कर है वो सबसे एज पे दिख रहा है जहाँ पे मतलब ख़त्म होने वाला है वो, मतलब अगर मैं और राइट स्वाइप कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। तो भाई जैसे यहाँ पे आपको 400 मीटर बचे मार्कर, तो भाई आपको उसी वक्त जंप करना है। तो भाई यहाँ पे देखो मेरा बचा उतना, तो मैं जंप किया। और फिर भाई देखो आपको जॉयस्टिक कैसे रखना, जैसे मैं रख रहा हूँ, जैसे क्लॉक में 10 बजते रहता तो घंटा का आवाज़ जैसे रहता ना, वैसे आपको रखना और पूरा नीचे कर देना स्क्रीन को, ये राइट एरो की साइड देख लो। और फिर भाई उसके बाद यहाँ पे पैराशूट खुलने के बाद आपको नॉर्मल लैंडिंग करना, आप सबसे फास्ट उतरेगा। भाई इसमें स्पीड आप देख गौर नहीं किया हो तो रिवर्स करके देख लो, 234 का स्पीड है जो कि फास्टेस्ट स्पीड है। भाई दूसरा जो रूल है भाई उसमें है भाई आप प्लेन पथ से दूर कैसे लैंड कर सकते हो। जैसे अभी स्टेडियम लैंड करना जो कि प्लेन पथ से हल्का सा दूर है, तो मैं क्या करूँगा अभी मार्कर जो है अपना सेंटर का जो अति होता है ना, सेंटर जहाँ पर दिखाते रहता है ऊपर नॉर्थ साउथ ये सब दिखाता है वहाँ पर सेंटर दिखाता है, उसी पर रखूँगा मार्कर को। तो भाई यहाँ पर रखने के बाद जैसे 700 मीटर बचेगा उसी वक्त मैं जंप करूँगा और अपने स्क्रीन को पूरा ऊपर करूँगा और जॉयस्टिक को भी ऊपर करूँगा ताकि सबसे फास्ट लैंडिंग कर सकूँ। स्पीड ज़्यादा नहीं होगा बट डिस्टेंस आप ट्रैवल कर लोगे बहुत ज़्यादा और कुछ अच्छे खासे स्पीड से, तो आप सबसे फास्ट लैंड कर पाओगे। और फिर भाई यहाँ पे जैसे ही आपको पैराशूट खुले अब तुरंत नीचे कर दो। मेरा टीममेट पता नहीं क्यों बार बार बिंग अप वॉइस चैट कर रहा था, क्यों पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं वॉइस खोल नहीं सकता था। तो वहाँ पर जैसे ही हम लैंड करते हैं भाई सबसे फास्ट लैंडिंग होता है हमारा स्टेडियम में। तो भाई तीसरा जो ट्रिक है भाई, आजकल देखो रैंक पुशिंग बहुत चल रहा है भाई, नया सीजन आया है, सब एस वेस में पहुंच गए होंगे और सबको काउंटर जाना है। तो भाई ऐसे में क्या होता है आपको सबसे दूर उतरना रहता है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ सबसे दूर आप कैसे उतर सकते हो। तो देखो मैं प्लेन पाथ पे एक जगह मार्क कर ले रहा हूँ कहीं पर, जहाँ पे से मैं जंप करूँगा, तो यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के पास मैं प्लेन पाथ पे मार्क कर ले रहा हूँ। देखो मेरा मार्कर लग गया वहाँ पे, मतलब मैं वहाँ से कूदूंगा, वो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे उतरूंगा, मैं वहाँ से कूदूंगा। जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचूंगा मैं वहाँ पर से कूद जाऊँगा, और फिर वहाँ से पर से कूदने के बाद देखते हैं भाई सबसे दूर, जो सबसे दूर होता है वो हम कहाँ पे तक जा सकते हैं। तो भाई सबसे दूर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एकदम प्लेन को अपने लैंडिंग स्पॉट से परपेंडिकुलर रखना होगा, मतलब प्लेन का जो पाथ जा रहा है उसको परपेंडिकुलर रखना होगा अपने लैंडिंग स्पॉट से। तो भाई जैसे ही आपका वो मार्कर परपेंडिकुलर पे आ जाए तो मतलब वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। तो मेरा आ गया, बट मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ जंप करने में, कोई नहीं फिर भी हम चले जाएंगे सबसे दूर, देख लेंगे एक बार नाप तो जरूर लेंगे कि कितना दूर हम जा पाएंगे सबसे दूर। तो भाई यहाँ पे जाने लगते हैं हम। देखो सबसे ऊपर पिछला वाला ट्रिक लगाना, फिर उसके बाद जैसे ही पैराशूट का बटन देखो उसे खोल देना, और भाई जॉयस्टिक जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको हल्का हल्का करते जाना है, जिससे भाई आप सबसे दूर जा पाओगे। मतलब इतना दूर भाई, इससे ज़्यादा दूर आप कोई जा ही नहीं सकता भाई, लिख के दे रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा दूर कोई जा ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, स्पीड स्लो होगा बट सबसे दूर आप जाओगे। तो यहाँ पे मैं जाते रहता हूँ धीरे धीरे, बस देखते जाओ भाई कितना दूर जाते हैं। अभी यहाँ पे 600 मीटर हो चुका है हमारा, 600 मीटर दूर हम जा चुके हैं। और फिर भाई अभी और भी जा रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे 700 मीटर कंप्लीट हो गया, और आगे जाएंगे अभी, बस देखते जाओ भाई कितना दूर पहुँच जाएंगे हम। यहाँ पे 800 मीटर हो चुका है, और भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर होने वाला है भाई, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे करते करते जाएंगे। और भाई इसी के साथ हमारा 1 किलोमीटर कंप्लीट होता हुआ, भाई इतना दूर जा सकते हैं भाई, अभी देखो अभी और जा सकते हैं, अभी और जा सकते हैं, बस देखते जाओ। यहाँ पे 1100 मीटर हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, 1200 मीटर होने ही वाला है, और 1200 मीटर भी लगभग हो ही गया भाई। कुल मिला के हम 1250 मीटर तक जा सकते हैं ऐसे, मतलब सोच लो भाई आप प्लेन पथ से 1250 मीटर दूर उतर सकते हो, इससे भाई आपका रैंक पुश बहुत आसान हो जाएगा। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, भाई बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।